दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं। और हम लोग अभी खीरे के खेत में, ये बहुत शॉर्ट टाइम की खेती होती है, शॉर्ट टाइम यानी कि करीब 40 दिन में आप इसकी हार्वेस्टिंग निकाल सकते हैं थोड़े से कंडीशन के साथ में। कंडीशन ये है कि आप उसको बहुत अच्छे से केयरटेक करना होगा, बहुत अच्छे से उसको खाद और दवाइयाँ चलानी होंगी। ये जो वैरायटी है वो बहुत अच्छे हैं, 280 नंबर है। और हम लोग इसमें बात करने वाले हैं इसके प्रॉब्लम्स के बारे में, ना कि इसमें कितनी कमाई होती है और कितने एकड़ में कैसे लगाते हैं, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं इसमें जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में। आप लोग भी अगर खीरा लगाते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी बारीकी से देखिए, आपको एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा तो यकीनन आपके किसी न किसी काम ज़रूर आने वाली है। और हमारे साथ में हैं धनेश्वर राजवाड़े जी। राजवाड़े जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ओके भैया, मैं आपसे ये जानकारी चाह रहा था कि आपने लगाया है खीरा, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और कैसे आप इस कठिनाई से बाहर निकलते हैं और कैसे फार्मर इससे बाहर हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले आपने इसमें बीज लगाया या पौधा? नहीं, बीजा डाला है भैया। बीज लगाए हैं, और इसकी जो दूरी है पौधे से पौधे की वो 1.25 फीट का है। और हम लोग उसके आगे ये भी बात कर लें कि इसमें जो एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी है उसके बारे में बता दीजिए। 1.5 फीट का है, एक लाइन से दूसरी लाइन 1.5 फीट। हाँ, 1.5 फीट। और 1.5 फीट की दूरी पे एक एक पौधा है। 1.5 फीट। हम लोग बात करते हैं इसके बाद में कि सबसे पहले इसमें कठिनाई जो आई, जो आपने खाद दिया होगा वो क्या क्या दिया इसमें? डीजल में अपन वही जो देते हैं, मतलब डाली गोबर और 2 बोरा सुपर, 25 किलो पोटास और रिजेंट। ये प्रति एकड़? प्रति एकड़ जी। और हम लोग बात करें इसके बाद में जो कठिनाइयाँ आई, जैसे इसमें बताया जाता है थ्रिप्स बहुत ज़्यादा अटैक करता है। थ्रिप्स और लीफ माइनर तो बहुत ज़्यादा अटैक रहता है भैया जी। तो कैसे आप थ्रिप्स के लिए कैसे करते हैं, मतलब आपको जैसी देखा आपने तब पता चला या पत्ते सिकुड़ते हैं, इसका लक्षण क्या है? पौधा थोड़ा दिखता है सिकुड़ने टाइप का, तो उससे अपन को पता चल जाता है कि इसमें थ्रिप्स का अटैक हो चुका है। और लीफ माइनर का रहा तो लीफ माइनर का भी तो पत्ता में दिखते हैं, वो सफ़ेद सफ़ेद लाइनिंग आ जाता है, लाइनिंग आ जाता है, सांप जैसे चलते हैं उस तरीके से। मेरे कुछ व्यूवर्स ने कमेंट किया था, जो मैं आपको बताऊं कि इसमें एक दो चीज़ें ऐसी थी जो खीरे में एक छेद हो गई जी, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया था। अच्छा अच्छा, मैं इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्यूवर्स को भी देता हूँ। और इसमें ये जैसे हम लोग एक छेद देख रहे हैं, और इसके बाद में ना खीरा जो है वो मुड़ जा रहा है जी भैया, और सूख रहा है, आप देख रहे होंगे। ये फल मक्खी कहता है, फल मक्खी, फल मक्खी जी, वो डंक मार देता है ना, तो वहाँ से वो टेढ़ा हो जाता है, और टेढ़ा भी होता है, सूखता भी है, ये खीरा सूखने लगेगा जी भैया। और इसका जो बचाव है उसके बारे में बताइए ना, दवाई कौन सा चलाएं? बचाव के लिए लेमडा चलाते हैं अपन, ये ब्रांडेड दवाई है। हाँ, ब्रांडेड। मैं हर बार ब्रांडेड इसलिए कहता हूँ ताकि ये हम छत्तीसगढ़ के गाँव से हैं, और कई बार लोग बाहर से भी वीडियो देखते हैं जी, तो उनको दवाई आसानी से मिल जाए, और अगर कोई लोकल दवाई होगी तो वो मिलेगी नहीं। नहीं, मिल जाता है मार्केट में आसानी से, ये दवाई ब्रांडेड ब्रांडेड। और एक और आपने बताया लीप माइनर, लीप माइनर उसके लिए आप क्या चलाते हैं? लीप माइनर के लिए अपन टर्मिनेटर चला लेते हैं, टर्मिनेटर, मिस्टर गार्ड, कार टॉप, ये सब काम कर लेते हैं, ये सब सरकार का। हाँ, सिजेंटा का एक मेटाडोर भी आता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि लीप माइनर हमेशा पत्ते के पीछे तरफ रहता है? नहीं, ऊपर में रहता है, ऊपर में जी। अच्छा, हम लोग अभी देखेंगे जो पत्ते हैं ये पूरे स्वस्थ हैं? हाँ, स्वस्थ हैं, अभी इसमें कोई परेशानी नहीं, नहीं है, परेशानी नहीं है। तो बात करें कि आपके लागत की खीरे में, तो प्रति एकड़ लगभग बता दीजिए कितना आपको लागत लगा होगा? लागत लगभग वही समथिंग लग जाता है भैया, 40 से 50 हज़ार रुपया, मल्चिंग और ड्रिप छोड़कर। हाँ, मल्चिंग और ड्रिप छोड़ के, एक्चुअली इसको छोड़ करके इसलिए ताकि, क्योंकि ये अगले खेती में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम किसी एक में नहीं लेते जो मेरे व्यूवर्स देख रहे होंगे। हम लोग अगर बात करें उत्पादन की तो लगभग कितना होगा, क्योंकि रेट पे हम लोग कमाई पे नहीं जाते, क्योंकि हर जगह पे रेट अलग अलग रहता है। तो उत्पादन की बात करें तो कितना होगा लगभग उत्पादन? फसल अगर एक नंबर रहा तो करीब 300-350 तक कुंटल आ जाता है प्रति एकड़ में जी भैया। 300-350 मतलब टन में हो गया, 3.5 टन? नहीं, 350 कुंटल, 350 कुंटल, 30 टन हो जाएगा, 30 टन हो जाएगा। सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा कम बताने लगा था जी। और इसमें आपने खाद भी वही दिया जो आप रेगुलर खाद देते हैं? हाँ। स्प्रे हम लोग कुछ करते हैं क्या इसको बूस्ट करने के लिए, इसको ताकत बढ़ाने के लिए कोई ऐसा स्प्रे चलाते हैं? तो उसका नाम अगर आप चाहें, पौधा को ग्रोथ के लिए चलाते हैं, बायोबीटा ले लेते हैं, बायोबीटा हो गया, मैक्रीना हो गया, UPL का,
और सिजेंटा को इस अभियान हो गया, ये सब देते हैं टॉनिक। अच्छा, और सबसे सही समय खीरा लगाने का? सही समय जनवरी फरवरी में। जनवरी फरवरी में अगर लगाते हैं तो ये गर्मी में चालू होते ही ये निकलना चालू हो जाता है, मार्च में चालू हो जाता है। तो आप लोग पिछले साल के लॉकडाउन में आप लोगों ने कैसे किया, उस समय तो ये सारा बंद था, तो आपने खीरा लगाया था या नहीं? खीरा लगाया था भैया, लगाए थे, और नुकसान भी हुआ होगा? नुकसान 2-3 रुपये किलो भी। बिल्कुल, फार्मर ही एक ऐसा शख्स होता है जो कभी हार नहीं मानता, चाहे वो कितना भी लॉस हो जाए हार नहीं मानते। नहीं तो हम लोग क्या होता है जनरली, कुछ अगर कोई बिजनेस करते हैं तो फट से हमारा रूट चेंज कर देते हैं हम लोग कि नहीं यार कपड़ा बेच रहे थे अब फ़ायदा नहीं है तो कुछ और बेचने लगो, कुछ मोटर पार्ट्स बेचने लगो, हार्डवेयर के सामान बेचने लगो, ऐसे होते हैं। फार्मर एक ऐसा शख्स होता है जो कभी हार नहीं मानता और धरती से जो सोना निकाल रहे हैं वो फार्मर हैं। हम बात कर रहे थे इनसे पूरे खीरे के बारे में डिटेल। धनेश्वर राजवाड़े जी हैं हमारे साथ में, बहुत अच्छे टेक्निकल फार्मर हैं, जानकारी बहुत है इनको, और इनका नंबर हम संडे टू संडे डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप अगर चाहें तो बात कर सकते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम में है, आपका खेती को कोई इशू है तब, या से फॉर्मली प्लीज़ इनको कॉल मत करिएगा, बहुत व्यस्त रहते हैं। और दोस्तों अभी तक वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। तो आप लोगों ने जो भी कमेंट्स थे लगभग मेरे पास में वो मैंने सारे ले लिए। आपको और कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए मुझे। वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।